वेलकम बैक एवरीवन। बिहार एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के द्वारा एक ही चीज कहना है कि सर, हमारा बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप जो है ना, अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड हम कैसे करें। जैसा कि बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जो है ना, बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चे 1 अक्टूबर से अपना सीट अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किए थे। आइए इन सभी तमाम सवालों का जवाब हम जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यदि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग नए हो, पहली बार हो, तो ऑफ कोर्स सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, इसके लिए जो है ना, सबसे पहले मैं बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आना चाहूंगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। और इस वेबसाइट के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली थी कि बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चे जो है ना सर, उन लोगों का 27 सितंबर को जो है ना मॉप अप ऑनलाइन जो है ना काउंसलिंग जो बच्चे किए थे, उन लोगों का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउन जो है ना रिलीज किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। लेकिन बच्चे इंतजार करते रह गए, 36 से 38 घंटे तक बच्चे इंतजार करते रह गए। लेकिन 28 तारीख को ये नोटिफिकेशन बोर्ड जारी करता है कि किसी कारणवश, किसी टेक्निकल इशू के कारण जो है ना, बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड वाले जो भी अलॉटमेंट ऑर्डर थे, इस चीज को डिले किया जाता है। लेकिन आज जो है ना, आज दोस्तों 1 अक्टूबर है, और 1 अक्टूबर को काफी सारे बच्चे के द्वारा भी ये कहना है कि सर, बोर्ड ये भी बताया था कि 1 तारीख से जो है ना मॉप अप अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपका ये भी कहना सही है, मैं आप लोगों को ये नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पे देखिए, बोर्ड ने स्पष्ट तरीके से हर एक चीज को मेंशन किया था कि सर, मॉप अप ऑनलाइन जो है ना, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट की बात किया जाए तो यहाँ पे 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर को जो है ना पब्लिश होना था, लेकिन इस चीज़ को बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। अब आज बच्चे ये कह रहे हैं, सर जो है ना डाउनलोडिंग हम अलॉटमेंट ऑर्डर जो है ना नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें। तो मेरे प्यारे साथियों, डाउनलोडिंग की बात यदि हम करें तो आज तो आपका 1 अक्टूबर है, और ये कहा गया था कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक जो भी मॉप अप राउंड में बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, वे बच्चे अपना अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ बोर्ड के द्वारा 28 तारीख को शाम 4 बजे के आसपास में ये नोटिफिकेशन जारी की जा रही है ना, कि भाई किसी टेक्निकल जो है ग्लिचेस के कारण जो है आप लोगों की मॉप अप राउंड की जो अलॉटमेंट ऑर्डर है उसको डिले की जा रही है। तो आज आप लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लोगों के पास जो है ना एक ही चीज़ है कि आप लोग पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। क्योंकि अभी बोर्ड जो है, अब देखिए काफ़ी ऐसा भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, कि अभी काफ़ी इलाकों में बच्चों बाढ़ की भी स्थिति जो है आ चुकी है। अब यदि किसी बच्चों का सर यहाँ पे अलॉटमेंट ऑर्डर रिलीज भी करता है आज, ठीक है, तो बच्चे फिर भाई कैसे ट्रैवलिंग करेंगे। तो ट्रैवलिंग को लेकर भी इशू यहाँ पे हो सकती है, और टेक्निकल ग्लिचेस तो हैं ही। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग अभी पेशेंस रखो, और जैसे ही कोई बोर्ड अपडेट देती है तो मैं आप लोगों के बीच बिहार एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।